दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th लॉकडाउन को लेकर की जो कार्रवाई हमारी यातायात विभाग की वो कंटिन्यूस की जा रही है, आज भी जारी है, लेकिन इसके 2-3 दिन में रिजल्ट अच्छे देखने को मिले। जैसे जैसे कार्रवाई हमने तीव्र की और कठोर की, लोगों का आना जाना कम हुआ है। वही लोग अब आ रहे हैं जिनकी ड्यूटीज़ है या बहुत अति आवश्यक कार्य है। हमने जो 22 के बाद में दूसरे दिन से लोगों ने इसको ईजी समझ कर, मजाक समझ करके लोगों ने सीरियस नहीं लिया, तो हमने 24 तारीख को जो हमारी टोटल कार्रवाई हुई है वो 319 हुई है, जिसमें लगभग 200 गाड़ियां सीज है। और नेक्स्ट उसके दूसरे दिन है जिसमें हमारी कार्रवाई हुई है 112, जिसमें 80 गाड़ियां सीज है। और आज बहुत ही कम कार्रवाई है, आज की तारीख में तो अभी तक जो कार्रवाई हुई 15-20 हुई है, जिसमें सीज है वो 5-7 है। तो इस तरह से हम देखने में जा रहे हैं कि जो हमारी पुलिस की कार्रवाई है जो निरंतर जारी है, इसके प्रयास से भी लोगों को एक, चाहे कुछ भी समझिए, पुलिस का भय समझिए चाहे कानून का भय समझिए, हम उन लोगों के लिए ही कर रहे हैं। हम चाहते हैं वो घरों में बैठे और जो हमारी महामारी फैली है कोरोना के द्वारा, इससे बचाव करें अपना और दूसरे लोगों को भी सहयोग करें और हम लोगों को भी सहयोग। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।